हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। सो आज हम यहाँ क्लास टेंथ के गेस्ट पेपर्स लेकर आए हैं 2021-22 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सारे हम यहाँ आज कवर करेंगे पूरे पूरे सिलेबस से, सोशल साइंस से, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस के क्लास टेंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, फर्स्ट यूनिट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के ही जाना है। तो पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। बी है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड है सी द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848। एंड डी है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। एंड ई है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड यूनिट है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 4 मार्क का टॉपिक है, 4 मार्क का इस लेसन में से आपको आएगा। तो इसके टॉपिक्स देख लेते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड है खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन, थर्ड है डिफरेंशिएटिंग डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, फोर्थ है टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंट, एंड फिफ्थ है द सेंस इफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। थर्ड यूनिट देखते हैं, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये 5 मार्क का है, इस लेसन में से 5 मार्क का आने वाला है। तो इसका पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, फिर सेकेंड टॉपिक होगा द 19th सेंचुरी 1815 to 1914। थर्ड है टॉपिक है द इंटर वॉर इकोनॉमी, और फोर्थ टॉपिक है रीबिल्डिंग। यूनिट फोर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें से पूरे 6 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टॉपिक्स देख लीजिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड कॉन्सरशिप। फिफ्थ यूनिट है पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये 4 मार्क का आएगा। टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं, पहला है नया कश्मीर मैनिफेस्टो, सेकेंड है इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, थर्ड है एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फोर्थ है ईरा ऑफ कॉरपोरेटिव्स, फिफ्थ है न्यू स्पेस फॉर वुमेन। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफी में आपको कौन से यूनिट्स आ सकते हैं। पहला यूनिट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये पूरा 8 मार्क्स का आएगा। इसमें से आप 4 ही टॉपिक पढ़ने होंगे आपको। पहले तो लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सेकेंड टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, और फोर्थ टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सेकेंड यूनिट देखते हैं एग्रीकल्चर, ये 7 मार्क्स की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है 7 मार्क्स। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। सेकेंड है टाइप ऑफ फार्मिंग, थर्ड है एक्सप्लेन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। थर्ड चैप्टर होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये 3 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको एनर्जी रिसोर्सेज पहला कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, फिर सेकेंड है टॉपिक फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, थर्ड टॉपिक है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और फोर्थ टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो फोर्थ चैप्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 3 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपको 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी,
थर्ड है कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। इसमें से आपको छोटे छोटे ही क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे तीन टॉपिक में से। फिफ्थ है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये 4 मार्क का आएगा। इसमें आपको दो ही क्वेश्चंस है, दो ही टॉपिक्स है जिसपे आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द एवर श्रिंकिंग वर्ल्ड। सेकेंड, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है। अब द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेक्स्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवेल्यूएटेड इन JK बोस एग्जामिनेशन। मतलब ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेस्ट में मिल सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सिर्फ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है। ये दो ही टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। बाकी ये जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक है एक पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, ये आपको सिर्फ स्कूल के टेस्ट वगैरह में मिलेंगे। सेकेंड जाते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो दोनों टॉपिक है वो प्रोजेक्ट वर्क में आएंगे, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम डिज़ास्टर और सेकेंड है रोड सेफ्टी एजुकेशन, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम साइंस पर जाते हैं। हमने अभी तक सोशल साइंस पूरा कवर कर लिया है, अब हम साइंस पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड। इसका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तरह से पढ़ के जाना, इन्हीं में से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो सेकेंड चैप्टर देखते हैं साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके हैं क्वेश्चन, से इसके टॉपिक क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन रिएक्शंस विथ एग्जाम्पल्स, पहला है, ये चारों आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड रिएक्शन, सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेशन रिएक्शन, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। थर्ड है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये बड़ा क्वेश्चन होगा, इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है चैप्टर थर्ड लाइट रिएक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंसेज से रिलेटेड हो सकता है। सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर और लेंस। थर्ड है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इन सब के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक को ज़रूर खोलिए, वेबसाइट में हमारी वेबसाइट की लिंक में आपको ज़रूर इसके सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे और इसी तरीके से आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 5 है नोट्स ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 4 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड क्वेश्चन हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन हाउ आर इन्वॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस
डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड क्वेश्चन है, डिड डोबेराइनर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। थर्ड इज, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अच्छी तरह से आपको पढ़ के और अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाकर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, और आ ही जाता है मोस्टली। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। फोर्थ क्वेश्चन है, डिजीज मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आई की डिजीजेस है, तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। फिफ्थ है, वाई डू स्टार ट्विंकल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही क्वालिफाइड और हर साल टीचर्स जो एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं उनको स्टडी करके ही मैंने ये पेपर्स बनाए हैं। सो आप ये ज़रूर पढ़िए, ये इन्हीं में से पेपर बनेगा। चैप्टर नंबर 7, हाउ डज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब ये रिप्रोडक्शन पे जितने क्वेश्चन हैं वो ये चैप्टर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। थर्ड इज, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। फोर्थ इज, सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिफ्थ इज, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स। सिक्स्थ इज, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2F, प्रोपेनॉन और F2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आगे जो फ्यूचर क्लासेस में आप जाने वाले हो या फिर कोई नीट या JEE की तैयारी करेगा उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते ही है एग्ज़ाम में। तो बोर्ड एग्ज़ाम 10th बोर्ड हो 12th बोर्ड हो, ये आपको अभी से बेस बना के इसका चलना होगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो सोप लगाते हैं हम कपड़ों में वो कैसे काम करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्साइलिक एसिड। चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी 10th के बाद 11th 12th फिर नीट JEE सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेस भी आपको यहीं से बनाकर चलना चाहिए। पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, ओम्स लॉ आपको पूरी तरह से पढ़ के जाना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। फोर्थ क्वेश्चन, टू लैंप्स ऑन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट 100 वॉट एंड एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वाट
at 220 volt are connected in parallel to electric main supply voltage is 220 volt. Question number 5. What does an electric current circuit mean? Question number 6. What are the advantages of connecting electric devices in parallel with a battery instead of connecting them in series? Chapter number अब आएगा 10. Chapter number 10 biology से है, heredity and evolution. ये भी बहुत important है, class 12th में भी इसका एक बहुत लंबा बड़ा chapter आता है evolution का. तो question number 1, how does the creation of variation in the species promote survival? Second question, how do Mendel's experiment show that traits may be dominant or recessive? Third is, how is the sex of a child determined in human being? Fourth is, what factor could lead to the rise of a new species? Fifth is, what are fossils? What do they tell us about the process of evolution? Sixth is, explain the terms analogous and homologous organ with examples. Chapter number 11, metals and nonmetals. Question number 1, differentiate between metals and nonmetals on the basis of their chemical properties. Second question, what are amphoteric oxide? Give two example of amphoteric oxide. Question number 3, state two way to prevent the rusting of iron. Question 4, give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel, an alloy of iron. Fifth, explain the meaning of malleable and ductile. Sixth is, why is sodium kept immersed in kerosene oil? Seventh is, write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. Next chapter, chapter number 12, magnetic field of electric current. इसके लिए पहला question है, list three source of magnetic fields. Second is, draw a level diagram of an electric motor. Explain its principle and working. What is the function of split ringing an electric motor? Third question is, when does an electric short circuit occurs? Fourth question is, what is the function of an earth wire? Why is it is necessary to earth metallic appliances? Fifth question, why don't two magnetic line of forces intersect each other? Sixth is, state Fleming's left hand rule. Bahut important hai Fleming's ka left hand rule. Seventh hai, what is the principle of an electric motor? Ye sare questions jo main aapko bata rahi hu ye bahut important hai aur question paper isi pe easy questions se banega. Chapter number 13, acids, bases and salts. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर डस. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. थर्ड क्वेश्चन इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 5, why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution, why solution of compound like alcohol and glucose don't show acidic characters? Sixth question, why does dry HCl has not changed the color of dry litmus paper? Chapter number 14, source of energy. What is a gold fuel? What is a good fuel? Second is, why are we looking at alternate sources of energy? Question number 3, what is a geothermal energy? Question number 4, hydrogen has been used as a rocket fuel. Would you consider it a cleaner fuel than CNG? Why or why not? इसमें आपको reason देना होगा. Chapter number 15, our environment. Question number 1, what is biological magnification? Will the level of this magnification
बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्टेज दैट वी जेनरेट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट स्टेप्स आर बीन टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। सेकेंड क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, सजेस्ट सम अप्रोचेस टू वर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसी के साथ हमारा यहाँ पे साइंस ख़त्म होता है। अब हम मैथ्स पे चलते हैं। मैथ्स का क्लास टेंथ के वो ही क्वेश्चंस जो टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यूनिट से रियल नंबर, पहले यूनिट का नाम है रियल नंबर। इससे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो क्वेश्चंस इस टॉपिक के। सेकंड है इरेशनल एनओएस, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सेकंड है यूनिट सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका डिवाइड द पॉलिनोमियल और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये आपको बुक में से खोल के अच्छी तरह से पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में क्वाड्रेट इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 पूरी ऑप्शंस, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। यूनिट 5 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 10 और 13, एक्सरसाइज 5.3 पूरी, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यूनिट 6 में ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 3.6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज 6.4 में पूरी 6.4 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 9, 10, 12 और 15। अब क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 पूरी करनी है, उसके पूरी नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 तक करनी है, फिर एक्सरसाइज 7.2 में 4 टू 10 तक करनी है और एक्सरसाइज 7.3 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और यूनिट 8 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 ही सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 में सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10.2 ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 11 में कंस्ट्रक्शन में 11.2 एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ एक्सरसाइज 12.3 ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 एंड एक्सरसाइज 13.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास टेंथ इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ग्रामर पोर्शन 25 मार्क्स का होता है, तो एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग फ्रॉम जंबल सेंटेंस, डायलॉग्स, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, फ्रेसेस, प्रोनाउंसेस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉज, पंक्चुएशन, ये सब मिला के आपको पूरे 25 मार्क्स के हो जाते हैं। राइटिंग स्किल्स 20 मार्क का होता है, नोट मेकिंग जिसमें से 4 मार्क की, नोट मेकिंग फ्रॉम द पैसेज 4 मार्क की, फिर लेटर राइटिंग मैंने आपको कराया भी है ये सब 5 मार्क्स का, ऐसे कंट्रोल्ड ऐसे 7 मार्क्स का, तो इसी तरह से आपको 45 मार्क्स इसमें हो जाते हैं। और पैसेज जो मिलते हैं आपको अनसीन सीन उसमें आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं, तो अगर आप बुक के क्वेश्चंस छोड़ भी दें तो भी आप इंग्लिश में 60 मार्क्स आराम से ला सकते हैं।
और मैंने आपको इंग्लिश के सेट्स भी पढ़ाए हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह से उस पर पता होगा। तो इस सब के सारे मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आज ख़त्म हो रहे हैं, और इन सब की लिंक मैं आपको मेरे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो ज़रूर खोल के इनके सारों के आंसर्स भी देखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।